नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक एटवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने जा रहे हैं फ्लो मेजरमेंट के अंदर एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। वो है आपका, देख सकते हैं बोर्ड पर, पीडी डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इस पीडी फ्लोमीटर के द्वारा हम किस तरीके से किसी पाइपलाइन में फ्लो होने वाले फ्लूड का फ्लो रेट की मेजरमेंट हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे विस्तार से। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ यहाँ पर रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिख ली हैं, लेकिन इन पॉइंट से कुछ नहीं होता, फिर से बता दूँ इसका लिए, इसके बारे में पढ़ो तो विशाल भंडार है। इस टॉपिक के अंदर ही कई सारे टाइप्स के होते हैं पीडी डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर, और इसके एडवांटेज ज़्यादा होते हैं, डिसएडवांटेज तो ना के बराबर होते हैं, तो ये सभी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं यह लेक्चर। अच्छा, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग हमारे इस अशोक यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेनिफिट आप यही मिलेगा, हम इस चैनल पर इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स पब्लिश करते रहते हैं। हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले तो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर क्या होता है। एक्चुअली फ्लो मेजरमेंट करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई सारे फ्लोमीटर आपके अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से एक ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर भी है जिसके द्वारा फ्लो मेजरमेंट करेंगे। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ यहाँ पे एक दो लाइन लिखी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर आर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक प्रकार का मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है दैट मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ ए मूविंग फ्लूड लिक्विड और गैस। पॉइंट नोट करना, एक प्रकार का मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि मेजर करता है मूविंग फ्लूड लिक्विड और गैस, यानी फ्लूड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, सभी का मेजरमेंट इसके द्वारा हम कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पीडी फ्लोमीटर इज देयर एबिलिटी टू हैंडल हाई विस्कस एंड कोरोसिव फ्लूड। क्लियर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जो है फ्लोमीटर, इतना इजी, आसान एंड सिंपल एंड मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा हम किसी भी टाइप के, एनी टाइप के फ्लो होने वाले फ्लूड की फ्लो रेट का मेजरमेंट कर सकते हैं। वो चाहे आपकी गैस हो, वो चाहे आपका कोई लिक्विड हो, कोई आपका जो है कोरोजिव लिक्विड हो, हाई विस्कोसिटी वाला फ्लड हो, लो विस्कोसिटी वाला फ्लड हो, हाई फ्लो वाला फ्लोरेट वाला हो, लो फ्लोरेट वाला हो, कैसा भी किसी प्रकार का एनी टाइप ऑफ फ्लूड फ्लोइंग या मूविंग फ्लोइंग हो रहा है फ्लूड, उसका फ्लो रेट का मेजरमेंट यूज करने में हम करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर। इसको एक प्रकार का मैकेनिकल फ्लो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बोला जा सकता है। क्लियर, बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। पहले हम आपको कुछ इमेजेस डिस्प्ले करा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इमेज यहाँ पे कुछ गूगल करके मैंने इमेज लगाई है, ये इमेजेस देख सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर डायग्राम दिखे होंगे। इसमें आपका ओवल गियर टाइप आपका पीडी डिस्प्लेसमेंट फ्लो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर देखेगा, न्यूटेटिंग डिस्क टाइप पीडी फ्लोमीटर देखेगा, पिस्टन टाइप फ्लोमीटर देखेगा। पिस्टन टाइप के अंदर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर। रोटरी वैन टाइप आपका पीडी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और डायफ्राम टाइप आपका पीडी फ्लोमीटर, पीडी फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर। ये अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप के अकॉर्डिंग इसकी कंस्ट्रक्शन रहेगी, टाइप के अकॉर्डिंग इनके बारीकियां परिभाषित रहेंगे। लेकिन लेकिन सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसके होते हैं मेन तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला पार्ट होता है इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट, चाहे किसी प्रकार का कोई सा भी पीडी टाइप फ्लोमीटर हो उसमें इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट होंगे। ठीक है, इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट क्या होते हैं, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट, यानी इनलेट पोर्ट से यहाँ पे फ्लो हम इनलेट कराते हैं और आउटलेट से यहाँ से फ्लो निकलता है, बीच में सारा ऑपरेशन इसका होता है। दूसरा आता है मेजरिंग चैम्बर, मेजरिंग चैम्बर में इसका गियर अरेंजमेंट रहता है, गियर अरेंजमेंट जो है वो डिपेंड करता है इसके टाइप्स ऑफ पीडी टाइप फ्लोमीटर के, टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर के मैंने पांच टाइप लिखे, इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स होते हैं, इन सभी टाइप्स के अकॉर्डिंग इसका मेजरिंग चैम्बर होता है, उसके अंदर गियर अरेंजमेंट होता है। जैसे ओवल गियर टाइप का मैं फिर से आपको इमेज डिस्प्ले कराऊं या न्यूटिंग डिस्प्ले कराएं या पिस्टन, आप देख सकते हैं इस इमेज में, इसमें आपका गियर का मूवमेंट होता है, गियर का मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे इनलेट के पोर्ट के माध्यम से आपका फ्लो इसमें एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही फ्लो की जो फ्लो रेट है या वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही गियर में मूवमेंट होगा जो कि मेजरिंग चैम्बर के अंदर लगे हुए हैं। गियर में जो मूवमेंट हुआ उसमें एक्स्ट्रा गियर अरेंजमेंट के द्वारा एक आपका जो मेजरिंग यूनिट रहता है इसमें, उसको हम सेंसर्स में लगा रखते हैं या फिर ट्रांसड्यूसर लगा सकते हैं।
ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। मान लीजिए यहाँ पे रोटेशनल आपको स्पीड मिल रही है या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि एक फिजिकल ट्रांसड्यूसर का हम यूज कर सकते हैं। फिजिकल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, आपका जो गियर का मूवमेंट हो रहा है अपनी एक्सेस पे जो गियर मूवमेंट हो रहा है रोटेशनल, हमको यहाँ पे एक प्रकार का एंगुलर स्पीड मिलेगी, उस स्पीड को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक फिजिकल ट्रांसड्यूसर या सेंसर के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमको प्रोपोर्शनली मिलता है इनलेट फ्लो की रेट के अकॉर्डिंग ही। फ्लो की जितनी वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनली हमको इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट या कंस्ट्रक्शन, इसमें अलग अलग ओवल गियर टाइप या न्यूटन डिस्क टाइप, पिस्टन टाइप, रोटेटिंग, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो जिस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे। लेकिन मेजरिंग चैम्बर के अंदर सारे ये पिस्टन एंड गियर अरेंजमेंट जो भी है आपका रोटर गियर अरेंजमेंट सारा रहता है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका होता है रोटर और गियर अरेंजमेंट, जो हमने इसमें बताया कि मेजरिंग चैम्बर के अंदर होता है। और अब थर्ड तो इसको बोल सकते हैं सेंसर या ट्रांसड्यूसर होता है, जिसके माध्यम से हम इसका इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में या फिजिकली डिस्प्ले करवा सकते हैं कितना फ्लो हो रहा है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लो मीटर है, जिसके द्वारा हम वेरी लो फ्लो हो रहा है उसको भी मेजर कर सकते हैं, वेरी हाई स्पीड से हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है उसका भी हम फ्लो का मेजरमेंट कर सकते हैं, एनी टाइप फ्लो मूविंग फ्लो या फ्लूड हो रहा है उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, विस्कस हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी या कोरोसिव फ्लूड रहते हैं, उस कैसे भी आपको फ्लूड हो, सभी का फ्लो रेट का या फ्लो का मेजरमेंट इस पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको आल्सो हम बोल सकते हैं ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। मैकेनिकल क्या है कि पूरा गियर अरेंजमेंट रहता है इसके अंदर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं लगाता, गियर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसमें सेंसर आपका हो सकता है, ट्रांसड्यूसर हो सकता है या कोई सेंसर हो सकता है जो इसके मूवमेंट को, गियर अरेंजमेंट मूवमेंट हो उसको मेजर करके हम डिस्प्ले करा है। तो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसका आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल पाइपलाइन में भी इसका यूज कर सकते हैं, हजार्ड्स एरिया में भी यूज कर सकते हजार्ड्स एरिया रहते हैं उनमें भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे एडवांटेज कुछ लिखे हैं, इसके सारे एडवांटेज की गिनती तो कही नहीं सकते, कई सारे हैं। शॉर्ट में लिखा है मेजर वेरी लो एंड हाई विस्कस लिक्विड फ्लो, आल्सो यूज इन ऑयल एंड गैसेस में भी इसका यूज कर सकते हैं फ्लो मेजरमेंट करने में, हाई एक्यूरेट होते हैं ये, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सुटेबल फॉर हजार्ड्स एरिया, दे कैन बी यूज इन वेरी लो एंड वेरी हाई फ्लूड, डर्टी एंड कोरोजिव फ्लूड्स। डर्टी मतलब जो उस टाइप की सफा जो का हम किसी अदर इंस्ट्रूमेंट अदर फ्लोमीटर के द्वारा फ्लो का रेट का या फ्लो का मेजरमेंट नहीं कर सकते, उस टाइप के इक्विपमेंट फ्लो का इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो काफ़ी मोस्ट एक्यूरेट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसकी इंस्टॉलेशंस भी काफ़ी ईजी होती है और कॉस्टली भी नहीं होता है ये। तो ये था एक पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस कई सारी होती है, इसके एप्लीकेशंस होती है, डिसएडवांटेज होती है कुछ छोटे मोटे, और टाइप्स ऑफ फीडी टाइप फ्लोमीटर ये सभी इसके टाइप्स हैं, ओवल गियर टाइप क्या होता है, न्यूटन डिस्क क्या होता है, पिस्टन, ये इन सब के बारे में अलग अलग टॉपिक बन सकते हैं यदि आप गूगल करेंगे या आपकी बुक पढ़ेंगे तो। लेकिन मैंने एक बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिलेगी, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्लोमीटर क्या होता है, तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट का किसी इंडस्ट्री में या पाइपलाइन में फ्लो होने वाले फ्लूड या फ्लो की रेट को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं एक और चीज बता दें, आज के समय में जो इसका डिस्प्ले यूनिट है वो भी आपकी डिस्प्ले दो प्रकार रहती है, आपको मैकेनिकली डिस्प्ले करा सकते हैं या डिजिटली डिस्प्ले आता है उसमें भी के फॉर्म में इसका जो फ्लो रेट है उसको हम फील्ड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और फोटोन डिमिलियम सिग्नल के रूप में भी कंट्रोल रूम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या ट्रांसड्यूसर का यूज करके, क्लियर। तो ये छोटा सा टॉपिक था पीडी टाइप फ्लो मीटर के बारे में, उम्मीद करते हैं आपको हेल्पफुल मिलेगी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर लें, आप फ्रेंड्स साथ शेयर करें और चाहते हैं आने वाली अगली वीडियो इसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, सब्सक्राइब जरूर कर लें आप हमारे एसओ वीडियो यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगली एक और इस प्रकार की हेल्पफुल एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।